दोस्तों नमस्कार, सलाम साथियों। आप देख रहे हैं, आज मैं आपको YouTube पे बताने वाला हूँ कि अपने जो स्टिक है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है स्टिक से चलना, या आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आप स्टिक से चल सकते हैं, ठीक है, तो आपको करना ये है कि जो वॉकर आप छोड़ते हैं तो एकदम से आप विदाउट जब स्टिक लेके चलते हैं तो आपको एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने भी देखा है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब एक कदम मैंने रखूँगा तो मेरे को उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है ना, तो आप सबसे पहले ऐसे ये एक काम कर सकते हैं, आप वॉकर लीजिए, है ना। वॉकर को मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि वॉकर है ये, ठीक है, आप स्टिक से चलना चाह रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे, उस कंडीशन में आप वॉकर से चल लिए लेकिन आपको डॉक्टर ने कह दिया कि स्टिक से चल सकते हैं लेकिन आप चल नहीं पा रहे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल वॉक करते हैं। तो इस प्रकार से आप वॉक करते होंगे, जैसे कि एक कदम आगे, दूसरा कदम भी आगे, फिर एक कदम आगे, फिर दूसरा कदम आगे, ठीक है, इस प्रकार से आप वॉक करते होंगे नॉर्मली। लेकिन अगर आप वन हैंड स्टिक से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये वाली स्टेप अपनानी होगी वॉकर में, ठीक है। वो कौन सी स्टेप है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ। इसमें एक कदम आगे, जो पैर आपका फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर को, पैर को आपको पीछे रखना है और सही वाला पैर को आगे रखना है, ठीक है। अब ये दोनों पैर है, इसको बराबर लाना है, ठीक है। अब फिर आपका जो फ्रैक्चर वाला पैर है उसको पीछे ही रहने देना है और जो सही पैर है आपका उसको आगे रखना है, ठीक है, और वॉकर को पकड़ के रखना है, ठीक है। और ज़्यादा हो सके, जितना हो सके, आपको अपने इस जो फ्रैक्चर वाला पैर है उस पर प्रेस करना है, मतलब उस पर जो पूरा प्रेशर है उस पर आना चाहिए, ठीक है। फिर आप एक कदम आगे रखिए, फिर एक कदम, जो आपका फ्रैक्चर पैर है वो पीछे रहना चाहिए और उस फ्रैक्चर पैर से आप ऐसे आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ दूसरा स्टेप, ठीक है। अब तीसरा स्टेप कौन सा है वो मैं बताता हूँ आपको, कि आपने आगे रखा, ठीक है, पैर, फिर आपका जो पैर है वो सही वाला पैर, फ्रैक्चर वाला पैर पीछे रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप में क्या होता है कि आपको रोज 10 आपको आज 8-10 सेकंड तक आपको खड़े रहना है, ठीक है। कितने मिनट, 8-10 मिनट खड़े रहना है, और ये प्रैक्टिस आपको 8-15 बार कर सकते हैं दिन में, जितना आपका कैपेसिटी है बॉडी का, ठीक है। जैसे कि मैंने वॉकर पकड़ लिया दोनों हाथों से, अब मैं जो मेरा पैर फ्रैक्चर है ना उस पैर पे मैं खड़ा हूँगा, ये जो मेरी पट्टी बंधी हुई है पैर पे, इस पैर पे मैं खड़ा हो गया, 8-10 सेकंड तक मैं ऐसे रहूँगा और उसके बाद मेरा पैर वापस नीचे आ जाएगा, फिर वापस 8-10 सेकंड तक मैं ऐसे खड़े रहूँगा, फिर मेरा पैर वापस नीचे आ जाएगा, फिर मैं 8-10 सेकंड तक ऐसे खड़े रहूँगा। ऐसे 8-10 बार आपको करना है, इससे क्या होगा कि आपका जो पैर है वो आपका जो प्रेशर पड़ेगा पैर पे, उससे जो आपकी मसल्स है वो एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और आप स्टिक से चलने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट कदम आप आराम से स्टिक से चल सकते हैं, फिर तो आपको ये करना है स्टिक से, स्टिक को पकड़ने से पहले अगर आपने ये स्टेप नहीं की है तो अभी तक, ठीक है, तो इससे आपको स्टिक से चलने में आसानी होगी। तो ये थी मेरी एडवाइस, जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने भी ऐसा किया था, ठीक है। और अगर आप ये काम दोस्तों जो मैंने अभी बताया अभी तक, ये काम आपको इवनिंग में करना है, ठीक है, और जब आपकी हैबिट हो जाए धीरे धीरे तो आप मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आती है बात स्टिक की। अब आपने स्टिक ले लिया, ठीक है, आपको 8-10 दिन तक ये प्रैक्टिस करनी है वॉकर वाली, ठीक है। 8-10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको आना है स्टिक पे। स्टिक पे आते हैं तो आपको ये इवनिंग के टाइम पे लेनी है, ठीक है। मॉर्निंग में आपको वॉकर कर लिया जो नॉर्मल आप कर रहे थे, ठीक है, इवनिंग में आपको स्टिक लेनी है और आपको कोशिश करनी है वॉक करने के बाद, पहले आपने वॉकर से वॉक कर लिया उसके बाद आप आराम कर रहे हैं, उस टाइम आप सोचिए कि अब मेरे को स्टिक स्टार्ट करनी है, तो आप स्टिक लीजिए। और जैसे कि मैंने स्टिक ली, अब इसको सही से एडजस्ट कर लीजिए आप अपनी हाइट के अनुसार, ठीक है।
इसको सही सब जो इसकी हाइट है वो कितनी रहनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी ये कलाई है, इस कलाई को सीधा रखिए, और ये आपका जो हैंडल है स्टिक का, ये जो हैंडल है ये वाला, ये कलाई के बराबर में होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे है तो आप इसमें बटन आता है नीचे, इस बटन से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसकी हाइट बिल्कुल कलाई के बराबर में होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये बराबर में है मेरे कलाई के, ठीक है। तो और फिर आप जब इसे पकड़ते हैं तो ये कंफर्टेबल पकड़ने में आसानी रहती है, और 20 से 30 डिग्री का कोण बनता है इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है स्टिक को पकड़ के चलने में, और अपना जो वॉकिंग स्टाइल है वो भी अच्छा बना रहता है, और जो वेट है वो पैर पे और स्टिक पे बराबर बराबर रहता है, ठीक है। तो इससे अपनी मांसपेशियों पर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होती है, और पूरा वज़न स्टिक पे भी आ जाता है, और ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टिक से चलने का जो अच्छा तरीका है वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। ये बात थी पकड़ने की, अब बात करते हैं स्टिक से चलने की। अगर आपका पैर, आपका अगर बायां पैर अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको इस हाथ में, दाहिने हाथ में आपको स्टिक रखनी है। दाहिना पैर अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है तो आपको उसके अपोजिट स्टिक रखनी है, ठीक है। तो मेरा बाहिना, मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है, तो मैंने राइट हैंड में मैंने स्टिक पकड़ रखी है, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है जिसमें कि, जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है, अगर मेरा दाहिना हाथ भी फ्रैक्चर होता तब वो कंडीशन थी कि मैं लेफ़्ट लेग ही मेरा फ्रैक्चर है और लेफ़्ट हैंड में ही मैंने स्टिक पकड़ रखी है, तब उस कंडीशन में मेरे को यही आदत होती और यही तरीका अपनाना होता कि मेरे को इसी से चलना है। पर इससे दिक्कत ये होती है दोस्तों कि उस कंडीशन में 100 में से कोई 1% ही ऐसे केस होते हैं जिनमें ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी जब सबके हैंड वगैरह तो सही होंगे, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अभी मैं बता रहा हूँ वही तरीका अपनाना। अगर आपने एक बात नोट कर लेना, अगर आपने जिस जो वाला आपका फ्रैक्चर है पैर, उसी हाथ से अगर आप स्टिक पकड़ के चलोगे तो आपका जो पूरा वेट है वो आपका स्टिक पे ही जाएगा, ठीक है। आपका वो जो वेट है वो पैर पे नहीं जाएगा, और आपका पैर की मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और आपको गिरने का भी डर रहेगा इधर उधर, ठीक है। और आप चल भी सही नहीं पाओगे, और आप लिंपिंग करोगे, बहुत ज़्यादा लिंपिंग होगी ऐसे, तो आप ढंग से चल भी नहीं पाओगे, ठीक है, देख रहे हो आप। और अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर आप आपका अपोजिट साइड रखोगे, आप हमेशा स्टिक को, जैसे कि आपका लेफ़्ट लेग फ्रैक्चर है तो आप राइट हैंड में अगर आप स्टिक रखते हैं, अगर राइट पैर आपका फ्रैक्चर है, और अगर आप लेफ़्ट हैंड में अगर आप स्टिक रखते हैं, अगर इस तरीके से अपोजिट साइड में रखकर आप स्टिक को लेकर चलोगे तो आपको लिंपिंग भी नहीं आएगी, और आप सही से भी चलोगे एकदम, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और आपका जो वज़न है वो वज़न भी आपका पैर पे रहेगा, और आपकी मसल्स जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग भी होती जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ चलने का तरीका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जब भी स्टिक लेते हैं तो आप देख लीजिए, ये मैंने स्टिक ले रखी है, और अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो है, जो मेरा फ्रैक्चर वाला पाँव है उसको मैं उसी जगह रहने देता हूँ पीछे की तरफ, और जो मेरा सही पाँव है उसको मैं आगे की तरफ लाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, इस तरीके से चलना अपने को स्टार्टिंग में, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, जो पैर फ्रैक्चर है उसको पीछे रखना है, और जो पैर सही है उसको आगे रखना है, और स्टिक को भी आगे रखना है, और दोनों पाँव को बराबर ला देना है। फिर जो पैर आपका सही है उसको आगे रखना है, स्टिक को भी बराबर साथ में आगे रखना है, और जो पैर आपका ख़राब है, जो इंजरी सर्जरी हुई हुई है, उस पैर को आपको पीछे की तरफ रखना है, फिर आगे लाके बराबर कर लेना है, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप, ये आपको 7 से 8-10 दिन तक करनी है, इससे आपका जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मसल्स वगैरह, तो आपको फिर नॉर्मल वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल वॉक है सेकेंड स्टेप में आती है, ठीक है। नॉर्मल वॉक कैसे की जाती है कि आप ये स्टिक मैंने ले लिया, ठीक है, अब मैं नॉर्मल वॉक सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें आप स्टिक भी आगे रखेंगे और जो आपका पैर फ्रैक्चर है उसको भी आगे रखेंगे, ठीक है। अब सेकंड पाँव को भी आप आगे रखेंगे और स्टिक को भी आगे रखेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो पैर फ्रैक्चर है उसको भी आगे रखेंगे और जो आपका सही पाँव है उसको उससे भी आगे रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे से आगे
ऐसे पैर रखते जाइए, बराबर नहीं करना है। सेकंड स्टेप में दोनों पांव आगे पीछे रहने चाहिए, ठीक है। और स्टिक है वो हर पैर के साथ, जैसे कि ये राइट और इस प्रकार से, ठीक है। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं, आपको थोड़ा सा इजीली हो जाएगा समझने में, कि जैसे कि अपन ने, मैं क्या अभी विदाउट स्टिक भी चल लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि जैसे कि अपन चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए अपन नॉर्मल वॉक करते हैं, मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर है अभी, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँगा तो क्या होगा कि मैं जब आगे ऐसे करूँगा तो मेरा ये राइट हैंड भी आगे की तरफ आता है। बोले तो ये कुदरत का एक नियम है कि आप जो पैर आगे रखते हैं उसके अपोजिट जो आपका हैंड है वो भी बराबर बराबर आगे आता है। फिर मैं आगे चलूँगा, फिर ये राइट पैर आगे, और जो मेरा राइट पैर आगे और जो लेफ्ट हैंड है वो भी आगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपन नॉर्मल वॉक इसी तरीके से करते हैं, तो इसी प्रकार से ये एक प्रकार से स्टिक है, ठीक है। इनको स्टिक समझ लीजिए हाथ को, ठीक है, ये हाथ एक प्रकार से स्टिक है। अगर लेफ्ट लेग में लगी हुई है आपके, तो आप जैसे लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे, नॉर्मल वॉक सेकेंड वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, कि नॉर्मल वॉक जब आप करेंगे तो लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग, राइट हैंड आगे, राइट हैंड आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चलना है, ओके, क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको। और दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी आपको मौका मिले तो इसी स्टिक के सहारे, ठीक है, आपको धीरे धीरे प्रयास करना है कि 5 सेकेंड ऐसे ही एक पांव पे खड़े रहने का, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलने का, फिर 5 सेकेंड एक पांव पे खड़े रहने का, फिर आगे चलने का। और इसमें एक चीज़ और होती है कि आप जब चलते होंगे तो आपके पैर में कुछ पंजे में बहुत सूजन आ जाती होगी या पेन करता होगा, तो आपको उसके लिए बता देता हूँ, जो अगर आप स्टिक से चलने लगे तो आपको ये एक्सरसाइज तो करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको सूजन आएगी और पेन भी होगा। अब आप देख सकते हैं, मैं वॉकर के सारे वो एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। सीधे खड़े हो जाना है, वॉकर को पकड़ के पूरा वजन वॉकर पर रहना चाहिए, थोड़ा बहुत वजन पाँव पर डालेंगे, ठीक, और धीरे धीरे ऐसे 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 खड़े होंगे सीधा, ठीक है, और पंजों के बल खड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा वजन अब वॉकर से हटाएंगे और पैरों पर जाने देंगे, ठीक है, फिर 8 से 10 सेकंड रहेंगे और फिर वापस ऐसा आएंगे, फिर वापस खड़ा होना है पंजों के बल और थोड़ा थोड़ा पैर पर वजन रखना है और फिर वापस नीचे आना है। इस प्रकार से ये होगा कि आपके जो पंजे हैं, जब आप चलते हैं तो पंजों में दर्द होता है, एड़ियों में जो काफ मसल्स है वो जब पेन करती है तो उनमें आपके वो उनकी एक्सरसाइज होगी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चलने वाले जो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप मॉर्निंग टाइम में मत करना कोई भी एक्सरसाइज, इवनिंग टाइम में अगर आप अप्लाई करते हैं कोई भी नई स्टेप आप इवनिंग टाइम में अप्लाई करते हैं ना तो बेस्ट है। और 8-10 दिन तक तो उस जो स्टेप आप चल रहे हैं उस स्टेप को 8-10 दिन तक रखिए, ठीक है, ध्यान में रखने वाली बातें यही है। और सही से पकड़ने का तरीका है, सही से एडजस्ट कर लीजिए, कलाई के बराबर एडजस्ट कर लीजिए इसकी जो स्टिक वाली जो हाइट है, ठीक है, और सही से रखिए और बिल्कुल कॉन्स्टेंट बना के रखिए, ठीक है, एकाग्रता बना के रखिए और बिल्कुल सीधा चलिए और बिल्कुल धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो देना ही पड़ेगा 2-3 महीने का और सब सही हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को आज 63 डेज हो चुके हैं और मैं बिना वॉकर के, बिना स्टिक के, बिना वॉकर के भी चल लेता हूँ। और अभी मेरा 100 मीटर आज का था मेरा, ठीक है, 3-4 अभी स्कूल निकलवा के आया था मैं 13 जुलाई को, ठीक है, तो उसके बाद में मैं अब 100 मीटर तक आज का मेरा वॉक था, 100 मीटर तक मैंने बिना स्टिक के वॉक किया, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप सब भी ठीक हो जाएंगे, सब भी चलने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से जो भी बताया जाता है डॉक्टर की तरफ से और जो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट है और जो भी आप वीडियो देखते हैं उनको अच्छे से अप्लाई कीजिए और कंटिन्यू रखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।